कोई किसी पत्रकार को, किसी अखबार वाले को, किसी तगड़े बुद्धिजीवी को यह भ्रम रह रहा हो कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो मैं कहना चाहता हूं उसे, क्या ये देश नहीं है? क्या ये देश के लोग नहीं है? क्या ये मां देश की नहीं है? क्या ये बूढ़ा बाबा देश का नहीं है? क्या सड़क नहीं बनने वाला हमारा बेटा देश का नहीं है? अरे पिया इस मर गए, उनको भाषणों में शहीद कहते हो, 17 नौजवानों को तुम पेंशन नहीं देना चाहते, झूठे नाटक करते हो, शहीदों के नाम पर गवर्नर फैलाते हो लेकिन शहीद का खर्चा नहीं देना चाहते, सीमा पर किसान का बेटा मरे और देश के खेत में किसान आत्महत्या करे और देश सुरक्षित हाथों में बता रहे हो। सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है देश, 10 दिन में 50 लोगों की शहादत और ऊपर से तुम्हारे नाटक, तुम्हारी ये तोहमत हमें इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि हम तुम्हारी ये बेईमानी चीख चीख कर लोगों को बताएं। हमारे बेटे शहीद हो रहे, हमारे भाई शहीद हो रहे, उनकी शहीद वीरांगनाएं कह रही हैं कि तुम नाटक बंद कर दो, हमें ये आपका न्याय दुख दे रहा। पर मीडिया लगी है ट्रायल करने में, वो मीडिया जो किसी को आसमान में चढ़ाना चाहती, उसको चढ़ाना चाहती आसमान में, जो देश की 70% आबादी किसान को कर्ज में लेके जा रहे, उन्होंने हमें कहां कहां नहीं लूटा, हमें केसीसी में लूटा, हमें भाव में लूटा, हमें न्याय में लूटा, हमें आई फसलों की खरीद में लूटा, उसके बाद उनके दाम देने में लूटा, 4-4 महीने 5-5 महीने लोगों ने लड़ लड़ करके मूंग के वोट के और दूसरी जिंसों के पैसे खातों में डलवाए। अरे आप हमें जगह जगह लूटते हो फिर भी कह रहे हो देश सुरक्षित हाथों में, देश का अन्नदाता, देश का किसान, उसके बेटे और बेटियां वो परेशान, और कौन सा देश सुरक्षित है? वो कह रहे थे विधानसभाओं में कि हमारी सरकार ने 5 साल यह किया, वो कह रहे थे हमारी सरकार ने 5 साल में सोसाइटी में बड़े पेड़ पार किए थे, पिछले 5 साल में एक भी किसान को सोसाइटी नहीं दी गई, लेकिन 2.5 महीने विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार ने एक भी किसान को सोसाइटी में ऋण नहीं दिया है। एक थैली के चट्टे बच्चे हैं बेईमान, झूठ बोलते हैं, एक पैसा नए किसान को इन्होंने भी नहीं जोड़ा। जब पूछते हैं नहरों के लिए बजट सब है नहीं, सोसाइटी के लिए बजट सब है नहीं, नई नौकरियों के लिए है नहीं, पेंशन के लिए कुछ है नहीं, तो फिर कौन सी सरकार, कौन सी हुकूमत, कौन सा देश, कौन सी सुरक्षा, किसकी बात करते हो साहब? अंबानी की, अदानी की, या फिर कोई चंदा कोचर की? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीकर की किसान सभा का और आप तमाम एक एक किसान नौजवान कार्यकर्ता साथी और किसानों का, जिन्होंने राजस्थान की सरकारों को मजबूर किया है, कभी 50,000 के प्रमाण पत्र मांगने के लिए, कभी 2 लाख के प्रमाण पत्र मांगने के लिए। आप हैं उस आंदोलन के सिरमौर हिंदुस्तान के, जहां मध्य प्रदेश में गोली चलने के बाद 6 किसानों की शहादत के बाद राजस्थान का किसान आंदोलन उठा था और उस आंदोलन को आपने लड़ा था, हिंदुस्तान में किसान आपने दी थी, तो महाराष्ट्र का किसान आंदोलन आपके शिखर के पड़ाव के बाद उठा था। आप वो लोग हैं जो प्याज पूरा नहीं, प्याज का एक छिलका के वो क्षेत्र दोगे, मुझे उम्मीद है एक एक प्याज का ये पत्ता
पहले कुछ कहे और चुनाव के बाद कुछ और कहे। मैंने पूछा था राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि आप बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बोलते हो पर इनके भ्रष्टाचार की जांच की कोई कमेटी नहीं बनाते हो। आपस में मिले हुए। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, राजस्थान के अखबारों में छपी, एक मंत्री कह रहा है कि तुम भ्रष्ट थे, पहला मंत्री कह रहा है छाती ठोके की जांच कमेटी बना के दिखाओ।